ये दवाइयाँ आप लिख देती। अच्छा खासा माल कमा लिया है तुमने। तुम्हारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, फिर तुम्हारा बेटा धर्म से पंगा क्यों ले रहा है? पति तो तुम्हारा पहले ही मर गया है, ले दे के एक बेटा बचा है उसका भी ख्याल ठीक से नहीं रख रही हो। अगर कल तुम्हारे बेटे को कुछ हो गया तो अकेले जीवन काटना कितना मुश्किल होगा, सोचा है कभी? समझाओ उसको, सुधर जाए। मेरा बेटा स्कूल में बहुत शरारत किया करता था, टीचर्स उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आया करते थे। तुम्हारी तरह चरण की वजह से तुम्हारी रातों की नींद भी उड़ गई है क्या? चमकन, इतना घमंड? हाँ है घमंड, मेरे बेटे का घमंड है मुझे। मैं नहीं जानती उसने तुमसे क्या कहा, लेकिन वो जो कहता है करके दिखाता है। लगता है तेरे बेटे को भी तेरे पति। आवाज नीचे। ये सोचने की गलती मत करना कि एक औरत की रक्षा सिर्फ उसका पति कर सकता है। इस दुनिया से जाने से पहले मेरे पति मुझे एक शेर सौंप गए थे। दफा हो जाओ। चले या और बेइज्जती करानी है? यस डॉक्टर। सर का बीपी हाई हो गया है, इन्हें एक टैबलेट दे देना। अगर माँ बेटे दोनों ऐसे हैं तो जरा सोचो बाप कैसा रहा होगा। धर्मा हल्के में मत लेना, उसे बताना पड़ेगा कि डर किस चिड़िया का नाम है। ये लो। बोलिए अंकल। हेलो करण बेटा। हेलो। क्यों बे, बस्ती वालों को बचाने जा रहा है तू? तो तेरी माँ को कौन बचाएगा? मॉम। बोल मेरे मुन्ने। माँ की सांसें अभी तक चल रही हैं, अगर बात करने की इतनी ही जल्दी है तो घर आ। हेलो। सुना है तेरी आइटम फटाका है मंजू, उसे अकेले छोड़ के आ गया? तेरी फूल जैसी गर्लफ्रेंड को क्या मेरे लिए छोड़कर गया है? अब तक तो तूने मेरे बारे में सिर्फ लोगों के मुंह से ही सुना होगा, अब अपनी आंखों से देख, क्योंकि शेर शिकार पर निकला है। जल्दी सोच किसके पास पहले जाके किसे बचाना चाहेगा। क्या हुआ? आप कहाँ हो भैया? क्या हुआ? वो साला आपकी बेटी के साथ इधर अपने घर में खेल रहा है। हाँ भाई, उसे छोड़ दे भूखा। क्या हो गया? बोलाना उसे इसी वक्त छोड़ दे। हाँ भैया। निकल निकल, अपने आदमियों को लेकर अभी के अभी वहां से निकल। रुक जाओ सब। हाँ भाई। राजा वहां से निकल जल्दी। हुआ क्या भाई? जो बोला वो कर। ठीक है।
चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कोई मर गया? क्यों बे? और पकड़ा पकड़ी नहीं खेलनी तुझे? तेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है, अपने बाप की करतूतें नहीं जानती। जब तेरे आदमी उस जगह से बिना एक ईंट उखाड़े खाली हाथ लौट जाएंगे, तब लोगों को तेरी औकात पता चलेगी, तेरी पोल खुल के रह जाएगी। अब बस एक चीज का इंतजार है, उस बस्ती वालों को तुझे डरा के भगाने का। ए साले, वो बस्ती वाले मुझे डराएंगे, उनमें इतनी ताकत आ गई। आ जा, वही आके मिल, मैं दिखाता हूँ कौन डरता है और कौन डराता है। आ जा साले। क्यों बे, क्या कहा था तूने? ये लोग मुझे भगाएंगे? बोलना इनको, डराना तो दूर, मेरे सामने खड़े भी नहीं रह पाएंगे ये लोग। खड़ा क्या है, बोलना इनको। बच्चे यहां, बता इसे देख के क्या करने का मन करता है? मुझे इसकी शक्ल देखकर इसे पत्थर मारने को मन कर रहा है। शाबाश, तुझ में जो हिम्मत है वो यहाँ किसी में नहीं है। मेरे साथ चल, यहाँ इन लोगों के बीच रहेगा तो तेरे अंदर बची खुची हिम्मत खत्म हो जाएगी। ये सब तो वैसे भी जिंदा लाशें हैं। अगर डर के साथ जीने की आदत पड़ गई तो जिंदगी भर अत्याचार सहेगा, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, खुद को कोसता रहेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। डर, डर के आगे घुटने टेक देगा। सब भूल गए, जो आदमी आपके हक के लिए लड़ा उसे आपके सामने मार दिया गया, जो आपके घरों को बचाना चाहता था उसे किसी ने नहीं बचाया। जब तक डरोगे डराने वाले पैदा होते रहेंगे। 10 भाड़े के गुंडे लाकर यह इंसान हजारों को डराता है। सोचो अगर हजार इसके सामने खड़े हो जाएं तो। धमकाने वाले से अपने हक के लिए लड़ने वाले का दर्जा ज्यादा ऊंचा होता है। लड़ाई जीतने के लिए लड़ाई में उतरना पड़ता है। जो जिंदगी ऊपर वाले ने दी है उसे कोई नहीं जीत सकता। हो गया, क्या डायलॉग मारा। चींटियां एक होकर सांप को मार सकती हैं, खास को पिरो पिरो के रस्सी बनाई जा सकती है, ये सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। और शेर को देखकर हिरण दुबक कर छुप जाता है, पर ये सच है। भूल जा, कोई आगे नहीं आने वाला। क्या रे बुढ़ाओ, तू इस लौंडे पे भरोसा करता है? हाँ फुटले, अब जाता भी है कि तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचा दो।
चीटियां एक होके सांप को मार सकती हैं, घास को पिरोकर मजबूत रस्सी बनाई जा सकती है, सिर्फ तकियानुसी बातें नहीं है, ये हकीकत है। आज तक इनकी आंखों में जो डर दिखाई देता था ना, आज तेरी आंखों में दिखाई दे रहा है। फिर कभी यहां आने की जरूरत मत कर, अगर आया तो तेरा क्या हाल होगा जानता है ना, हर बार मैं बचाने नहीं आऊंगा। चल निकल जा। निकल, ए चल निकल। आज हमने उसे भगा दिया बेटा। जब भी हम आवाज उठाते थे वो हमारी आवाज दबा देता। उसके डर की वजह से हम दब के जी रहे थे। उसके सामने सर उठाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। लेकिन आज के बाद हमारी किस्मत बदलेगी। आज से हमारी किस्मत का फैसला हम खुद करेंगे। एरिया खाली करवाने का वादा किया था आपने हमसे, और 100 करोड़ रुपए मैंने टोकन में दिए थे। अगर वो जमीन तुम नहीं खाली करवा सकते तो मुझे मेरा पैसा 2 दिन में वापस चाहिए। खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान सब दे रहे हैं गुरु ज्ञान। अब आगे क्या सोचा है धर्मा? तुम्हारे आगे जिसकी पैंट गीली हो जाती थी आज वो तुम्हें धमकी देकर चला गया। 25 साल, 25 सालों से धर्मा ने यहाँ राज किया। जो भी मेरे बीच में आया उसे मार डाला। एक एक करके लोगों के दिल में मेरे लिए खौफ बढ़ता गया और मैं फिर धर्मा से धर्मा भाई बन गया। पूरे 25 साल तक किसी ने मुझसे आंख मिलाने की जुर्रत नहीं की, लेकिन इस लौंडे ने मुझे हिला दिया। उसकी आंखों में खौफ ही नहीं है। रोकूं तो कैसे रोकूं उसे? हे धर्मा, जानता है उसमें और हम में सबसे बड़ा फर्क क्या है? हमारी ताकत हमारे पीछे खड़े लोग हैं, हमारी फौज है, लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े हैं उनकी वो ताकत है। वो जितनी देर और जिंदा रहेगा हमारा जीना उतना ही दुश्वार होता जाएगा। हमें अपना डर हमेशा कायम रखना है। इसके लिए उसे मरना होगा। मार डाल उसे। भाई, चरण अपने दोस्त की शादी के लिए आजरा शहर से बाहर जा रहा है। तो आज की रात उसकी आखिरी रात होनी चाहिए। सुला दो उसे। बस आपकी तरफ आ रही है। आ गए हमारे चाहने वाले। तू यहीं रुक, मैं अभी आया। तुझे मारने के बाद धर्मा ने मुझे एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनाने का वादा किया है।
और लीडर तो मैं बन के ही रहूंगा। पीछे से वार नहीं करते, मर्द तो सामने से वार करता है। चल मार, मार, मार। इसकी लाश उठा के इसकी मां को पार्सल कर दो। उस दिन जब मैं तेरे पास आया था तब तो तू बेटे के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना। अब देख बेचारा तेरे सामने बेजान पड़ा हुआ है। क्या कहा था तूने? तेरा बेटा शेर है। जब तुम्हें हॉस्पिटल में लाया गया तब तुम्हारा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। तुम्हें एक नए चेहरे की जरूरत थी और उन लोगों को मेरे बेटे की। मैं अपने बेटे से जुड़ी हजारों लोगों की उम्मीदों को मरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मुझे अपने बेटे का चेहरा चाहिए था। तब मैंने ये फैसला लिया। मैं तुम्हें पहले ही ये सब बताना चाहती थी।
लेकिन तुम चले गए। न जाने मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। चरण की मौत के बाद क्या हुआ था? जाओ, तुमने मुझसे पूछा उसकी मौत के बाद क्या हुआ, अब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र से। मामा, चलो ना मामा। दादा, वो आ गया है। कौन आया है? चरण भैया। चरण बेटा, अभी भी जिंदा है मेरे बच्चे। वो कबीर वापस आए थे। छोड़ दो मुझे। उस दिन चरण के कहने पर इसी पैर से तूने मेरी छाती पर लात मारी थी ना? ए, हटो हटो, ये सब क्या लगा रखा है? धर्मा के आदमी है। धर्मा का आदमी है तो मना नहीं करेगा। उसने मेरी टांग काट दी, हमें डराया धमकाया, उससे जो बन पड़ा उसने किया, लेकिन वो हमारी उस हिम्मत को नहीं हिला सका जो तुमने हमारे दिलों में जगाई थी। तेरी बात में दम था बेटा, वो यहाँ की एक ईंट तक नहीं हिला पाया। जिस खौफ से वो हमें डरा रहा था ना बेटा, आज वो उसी खौफ में जी रहा है। एक हफ्ते की मोहलत पूरी हो गई, पूरी बस्ती खाली कर दो, वरना जानते हो ना उस इंस्पेक्टर का क्या हाल हुआ था। वही हाल तुम सबका भी होगा। खाली कर दो ये बस्ती। क्या रे बुढ़ाऊ, दूसरी टांग कटवाने का भी इरादा है क्या? बस्ती वालों को मेरे बेटे ने जो हिम्मत दी थी, उससे वो एक साल तक अपनी लड़ाई लड़ते रहे। अगर वो आज जिंदा होता तो। वो जिंदा है। चरण आज भी जिंदा है। सत्या जिंदा होकर भी पिछले एक साल से हर किसी के लिए मर चुका है, लेकिन चरण जिसे एक साल पहले मारा गया था, आज भी उस बस्ती के हर एक इंसान के दिल में जिंदा है। जीना है तो ऐसे ही जियो। अगर मैं उसकी तरह जिंदा नहीं रह पाया तो मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं रहेंगे। मैं जीऊंगा आपके बेटे चरण की तरह जीऊंगा। इस वक्त हम जन क्रांति पार्टी की रैली में हैं और हमारे साथ है उनके नए युवा प्रेसिडेंट शक्ति ठाकुर जी। सर, इस पोजीशन तक कैसे पहुंचे? एक लीडर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, और सबसे जरूरी बात होती है भरोसा। इन सब का मुझ पर भरोसा है। अक्सर नेता कुर्सी के लिए लोगों को धोखा देते हैं। ऐसे नेता ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। जो लोगों को धोखा देते हैं वो तो बस
भाई वो आ गया भाई। अगर वो जिंदा है तो मेरा करियर खतरे में है, मार दो उसे। क्या ये सच है, तेरा बेटा अभी भी जिंदा है? तुमने ही उसे मारा था ना, खुद पर भरोसा नहीं? ये मिनिस्टर कहता है कि तेरा बेटा जिंदा है, ये लड़का बोलता है कि वो जिंदा है। क्या ये खबर सुनकर डर लग रहा है तुझे? डरूंगा और मैं? जब से तुम्हें पता चला है डर के मारे तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं। जब वो सामने आएगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा? छुपने की जगह ढूंढ लो, वो आ रहा है। अगर वो जिंदा है तो इस बार उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो तो क्या उसकी रूह भी कांप उठेगी। धर्मा भाई, वो आ गया भाई। लेकिन ये जिंदा कैसे है? धीरे धीरे यहाँ सैकड़ों हजारों लोग खड़े हो जाएंगे, तब तेरी मौत का तमाशा देखूंगा मैं। यहाँ से कोई भी जिंदा बच के जाने न पाए, काट डालो सबको। आज तक इसके अत्याचारों, जुल्म और मनमानी को रोकने के लिए आपने कई कदम आगे बढ़ाए हैं। एक कदम और बढ़ाओ और इसका साम्राज्य खत्म। खत्म कर दो इसका साम्राज्य। आगे बढ़ाया तो तेरी माँ को मार दूंगा। रुक जा, आगे मत आ, तेरी माँ मरेगी। रुक जा। माफ कर देना भाई, अगर तू मरना नहीं चाहता तो तुझे किसी को मारना होगा। कुर्सी का क्या करूंगा मैं, अगर उस पर बैठने के लिए मैं ही नहीं बचा तो? जब तुझे पहली बार देखा तभी मैंने अपनी मौत को देख लिया था, लेकिन मैं अकेले नहीं मरूंगा, तुझे भी साथ लेके मरूंगा। अबे देख के तो मारता।